दान बिना, देह प्राण बिना, भोजन मान बिना, भजन बिना नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूं अरुण बर्नवाल। कहते हैं कि हुनर किसी का मोहताज नहीं होता और फिजिकल चैलेंज भी उसके रास्ते में नहीं आता। मैं आपको आज मिलाने जा रहा हूं एक ऐसे शख्सियत से जो पूर्णतः ब्लाइंड है, जो जन्म से ही देख नहीं पाते, फिर भी म्यूजिक की दुनिया में एक अलग पहचान बनाई हुई है। हम बात करेंगे शालू अरोरा से। जी हाँ, शालू अरोरा कोडरमा ज़िले की एक अलग पहचान रखती है और हम उनसे बात करेंगे और उनको सुनवाएंगे कि कैसे वो इस जगह तक पहुँची हैं और कैसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहती हैं। मैं उनसे ही बात करूँगा। शालू जी नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया। और म्यूजिक में मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। तो इस मुकाम तक आप कैसे पहुंची? क्या आपको जो दिखाई पड़ता है वो कभी आपके लिए चैलेंज नहीं बना? नहीं, वो हमारे लिए कभी चैलेंज नहीं बना। और जब कोई बोलता है तभी मुझे रियलाइज़ होता है, नहीं तो मैं इस मुकाम तक अपने पेरेंट्स के माध्यम से ही पहुंची हूँ और उन लोगों ने कभी ऐसा रियलाइज़ नहीं होने दिया कि मेरे आईज में कोई प्रॉब्लम है या फिर कुछ भी है। जब कोई बोलता है तब भले थोड़ा सा रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ ऐसा है क्या, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं। म्यूजिक में कहाँ तक डिग्री हासिल किया आपने? म्यूजिक में मेरा एमएड है। और गाती हैं? हाँ, गाती भी हूँ। और कोई वाद्य यंत्र बजाती हैं आप? हारमोनियम बजाती हूँ सर। थोड़ा सुन लें उसको, एक आध मुखड़ा कुछ किसी भजन वगैरह का। जैसे आपकी इच्छा है, अगर आप सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल एक बार सुनाइए। जल जाए जीवा पापिनी राम के बिना, जल जाए जीवा पापिनी राम के बिना, राम के बिना हरि नाम के बिना, राम के बिना हरि नाम के बिना, जल जाए जीवा पापिनी के बिना, जल जाए जीवा पापिनी राम के बिना। पंच पंक बिना, बिच्छु डंक बिना, आरती संक बिना, कमल पंक बिना, गणित अंक बिना, विषामय अंक बिना, पंची पंक बिना, बिच्छू डंक बिना, आरती संक बिना, कमल पंक बिना, गणित अंक बिना, विषामय अंक बिना, अश
चश्म लगाम बिना जल जाए जीवा पापिने, राम के बिना जल जाए जीवा पापिने, राम के बिना, राम के बिना, हरे नाम के बिना, राम के बिना, हरे नाम के बिना जल जाए जीवा पापिने, राम के बिना जल जाए जीवा पापिने, राम के बिना, सालू जी आप तो बहुत अच्छा गाती हैं। थैंक यू सर। एक और सुन ले आ जाए। जैसी आपकी इच्छा। एक देशभक्ति सॉन्ग सुना दीजिए आप। अगर आपकी इच्छा है तो सुना नहीं पड़ेगा। हाँ, देशभक्ति सॉन्ग सुना। जो मरना वतन पे जाने, ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जा तक लुटा जाएंगे, फूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों पे चढ़ा जाएंगे, ऐ वतन कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, बंगाल से, अब से कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से, तेरी पूजा की थाली में लाए हम, तेरी पूजा की थाली में लाए हम, फूल है से, फूल हर रंग के आज हर डाल से, नाम कुछ भी सही पर लगन एक है, जोत से जोत दिल की जगा जाएंगे, ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जा तक लुटा जाएंगे, ऐ वतन जब शहीदों की अर्थी उठे धूम से, देश वालों तुम आंसू बहाना नहीं,
सके ना जहाँ में तो क्या याद बन के दिलों में तो आ जाएंगे ऐ वतन ऐ वतन। आप सुन रहे थे सालू अरोड़ा को। इन्होंने बता दिया कि फिजिकल चैलेंज कोई मुसीबत नहीं होता है, अगर हम चाहें तो उसके बिना ही बहुत कुछ कर सकते हैं और ये बहुत आगे तक जाना चाहती हैं। आइए हम उन बात करते हैं इनकी माता जी निर्मल अरोड़ा से कि वो बचपन से कैसे इनको संभाली और कैसे इस तक पहुँचाई। हमारे साथ हैं सालू अरोड़ा की माता जी निर्मल अरोड़ा। मैं उनसे बात करता हूँ कि इस यहाँ तक सालू अरोड़ा को पहुँचाने में इन्होंने क्या संघर्ष किया और ये कैसे उनके उसका मदद कर पाती हैं। आइए बात करते हैं निर्मला अरोड़ा से। नमस्ते। जब ये जन्म ली सालू, आपकी कितनी बच्ची हैं? मेरे 4 बच्चे हैं, 3 बच्चियां, 1 बेटा। तो ये सबसे छोटी है, बड़ी है क्या? सालू सबसे बड़ी बेटी है। तो ये जब आपको पता चला कि ये देख नहीं पाती हैं तो आपको कैसा महसूस होता, कैसे आपने इसको संभाला और यहाँ तक पहुँचाया? एक बार तो जब मुझे पता चला कि इसकी दोनों आंखें पूरी अंदर से वाइट हैं तो दिल में काफ़ी ठेस पहुंची, लेकिन ईश्वर की दी हुई औलाद को तो संभालना ही था। इसके पालन पोषण में बहुत ठोकरें खानी पड़ी, दुनिया के बहुत ताने माने भी सुने कि ऐसी बेटी पैदा की है। मैंने भी ठान लिया था और हमारे परिवार वालों ने हमें पूरा साथ दिया, कभी भी हमें ताना नहीं दिया कि तुमने ऐसी औलाद पैदा की है। इसकी दादी हमारी माता जी जो थी, उन्होंने हर पग हमारा साथ दिया और उन्होंने ही हमें हिम्मत दी कि इसके जीवन में कुछ ऐसा कर दिखाओ जिससे ये अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। आपको कैसे महसूस हुआ कि म्यूजिक में ये दिलचस्पी रखती है? जब ये 2.5 साल की थी तो ट्रांजिस्टर इसे मैं देती थी सुनने के लिए, तो मैं देखती थी कि इसे म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। ये बहुत ध्यान से ट्रांजिस्टर पर सिर रख कर के सॉन्ग सुनती थी, तो मुझे धीरे धीरे ऐसा महसूस हुआ कि इसे गाने बहुत पसंद है। जब ये ट्रांजिस्टर पे सॉन्ग सुन रही थी तो उसके बाद आपको लगा कि ये म्यूज़िक के प्रति अपना इंटरेस्ट रखती हैं? हाँ। फिर इसका शिक्षा दीक्षा कराने में आपको परेशानी महसूस होती होगी कि ये लिख नहीं पाती है? एक बार तिलैया में सारेगामा कॉम्पिटिशन हुआ था तो उस समय हमारी इच्छा हुई कि मैं क्यों ना इसे सारेगामा कॉम्पिटिशन में ले जाऊँ, लेकिन इसकी उम्र बहुत कम थी। वहाँ मैं गई, फॉर्म भरा, लेकिन इसका सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि ये 10 साल की थी। इसे स्पेशल मेहमान कलाकार के रूप में ले जाया गया और इसे बहुत अच्छा प्राइज़ दिया गया। इससे मेरा बहुत हौसला बुलंद हो गया कि हाँ, वाकई हमारी बच्ची अच्छा गाती है। उसके बाद हमारे ज़िले में जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते थे मैं ब्लैक में फॉर्म लेती थी और इसको हर कॉम्पिटिशन में भाग दिलाती थी। ब्लैक में फॉर्म इसलिए ले जाती थी क्योंकि ये किसी स्कूल की स्टूडेंट्स नहीं थी, स्कूल के विद्यार्थी ही इसमें भाग लेते थे, लेकिन मैं उसी फॉर्म को जो 10 रुपये का मिलता था मैं 50 रुपये में लेकर अपनी बेटी को स्टेज पर चढ़ाती थी। जब हमारी बेटी प्रोग्राम देते 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 40-45 फर्स्ट प्राइज ले चुकी तो इस ज़िले की शिक्षा पदाधिकारी अपराजिता झा एक बार उन्होंने मुझे स्टेज पर बुलाया। वो 3 साल से यहाँ लगातार इसे प्राइज देती गई, अचानक उनके दिमाग में आया कि मैं इसके पेरेंट्स से मिलूं। उन्होंने मुझे स्टेज पर बुलाया और बोला कि आप इसके भविष्य के बारे में क्या सोच रही हैं। तो मैं भी उस समय एक हाउसवाइफ थी, मैंने बहुत ही सहज भाव से कह दिया कि मैं इसे म्यूज़िक टीचर बनाना चाहती हूं। तो उन्होंने मुझसे फिर सवाल किया कि क्या आपने इसे एजुकेशन में कुछ शिक्षा दी है, तो मैंने कह दिया नहीं। उन्होंने दूसरे ही दिन मुझे अपने घर पे बुलाया और उन्होंने मुझे अच्छे से समझाया कि इसे अगर म्यूज़िक टीचर बनाना चाहते तो इसके लिए आपको ग्रेजुएशन तक इसकी शिक्षा देनी पड़ेगी, उसके बाद म्यूज़िक इसमें शिक्षा दोगे और उसमें शिक्षा दोगे तब आप ये एक म्यूज़िक टीचर बन सकेगी। तो कहाँ से आपने इसको शिक्षा दीक्षा दिलवाया? फिर उन्होंने ही प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल में इसे क्लास 6 से एडमिशन दिलाना उन्होंने ही दिलवाया। फिर क्लास 6 से ही मैं इसे ओरल पढ़ा पढ़ा कर 6, 7, 8, 9, 10 इंटर ग्रेजुएशन पॉलिटिकल ऑनर से पहले शिक्षा की पूरी पढ़ाई पूरी की, साथ साथ म्यूज़िक में 1st ईयर 2nd ईयर 3rd ईयर 4th ईयर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ से, फिर इलाहाबाद वाली प्रयाग संगीत समिति से, वहाँ से भी दोनों यूनिवर्सिटी से मैंने इसे BA कराया।
हजारीबाग ले जा करके इसे मैं प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ से एमए कराया, लेकिन इन सभी में इस मेहनत का हमें कुछ फल नहीं मिला। आज जब सरकारी नौकरी का सवाल आया तो 2016 में इनकी वैकेंसी आई, हमारी बच्ची ने वैसे फॉर्म भरा, एग्ज़ाम दिया, 2017 में एग्ज़ाम हुआ, 2018 में इसका रिजल्ट प्रकाशित हुआ, लेकिन उसके बाद हमें क्या सुनने को मिला कि हमारी सर्टिफिकेट की कोई मान्यता ही नहीं है। इतना बड़ा झटका, सरकार को इतना बड़ा झूठ बोलने में कुछ लगा ही नहीं। हम सब जितने म्यूज़िक के स्टूडेंट्स थे सबको एक बहुत दिल में ठेस पहुंची, बहुत बड़ा झटका। हमारी सरकार बहरी है, अंधी है, क्या लोगों को पता नहीं है कि 2010 से 2015 से 2020 में हर 2 साल 3 साल 4 साल बाद सिलेक्शन हुआ है इसी सर्टिफिकेट्स पर। जब हमारी नेत्रहीन बच्ची की बारी आई तो हमारा सर्टिफिकेट मान्यताहीन हो गया, हमारी कोई मान्यता नहीं है सर्टिफिकेट्स की। इसको लेकर क्या आपने कभी कोर्ट में सुन लिया? हाँ बिल्कुल, हम केस किए, सुप्रीम कोर्ट से एक स्पष्ट आदेश जारी हुआ कि हमारी प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ का विशारद और प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद का भास्कर दोनों को मान्यता प्राप्त है, लेकिन हमारी इस बहरी गूंगी सरकार को कुछ भी नहीं समझ आता, कुछ सुनाई नहीं देता। क्या मैं अपनी इस नेत्रहीन बच्ची को लेकर धरना प्रदर्शन कर सकती हूँ? क्या उन्हें शोभा देता है? आज हम दर दर भटक रहे हैं अपनी बच्ची के भविष्य की नौकरी पाने के लिए। आज हमारे दिल पर क्या बीत रही है, हमारी सरकार को कुछ समझ नहीं आता। खाली जब वोट लेना होता है तो बस आपका ये पूरा होगा, हर चीज़ में आपकी हर चीज़ पूरी होगी, आपको नौकरी दी जाएगी, लेकिन आज हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ अपनी बच्ची के भविष्य के लिए। आज हम माँ बाप जिंदा है, कल हमारी मौत हो जाएगी, हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, हमारी बच्ची का भविष्य क्या होगा ये मैं नहीं जानती। मैं इस सरकार से रिक्वेस्ट करती हूँ, हमारे जितने भी संगीत के शिक्षक बने हुए सबकी जिनकी काउंसलिंग हुई है उन सबको नौकरी दी जाए। सिर्फ मैं अपनी बेटी के लिए आपसे हाथ नहीं जोड़कर विनती कर रही हूँ, मैं अपने सारे बच्चों के लिए आपसे विनती करती हूँ, जो 3 साल से दर दर भटक रहे हैं, जो प्राइवेट नौकरियाँ करते थे सारी नौकरियाँ छोड़कर इस एग्ज़ाम को देखकर आपकी आस में बैठे हुए हैं कि आप हमें नौकरी दें, भविष्य को देखते हुए हमारी बच्ची के आंसुओं को पोंछे, उसके भविष्य को देखे। दुर्भाग्य है कि जिस सर्टिफिकेट से 2010, 2015 या पहले भी नौकरी होते आया, उस सर्टिफिकेट को अभी की सरकार ने इनवैलिड करार दे दिया है। यह हालांकि इन्होंने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश भी आया हुआ है कि वो सर्टिफिकेट मान्य है, फिर भी सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। और ये गुजारिश कर रही है कि केवल मेरी बच्ची को ही नहीं, जितने भी लोग इस काउंसलिंग में पास किए हैं सबको नौकरी दी जाए। लाइव लगातार के लिए संध्या आचल के साथ मैं अरुण बरवाल, कोडरमा। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।